ठीक है गाइस, अभी निकल रहे हैं हम विंध्यवासिनी मंदिर की तरफ। होटल है चंदन पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट। अच्छा है होटल, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीट एंड क्लीन रूम था। आज का सफ़र शुरू करते हैं। चलिए जी, जय माता दी। बाजार जो है थोड़ा थोड़ा खुलने शुरू हो गया है गाइस। आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जी मैंने क्यों ली है। एक्चुअली कल रात को जहाँ पर ठहरा था मैं होटल चंदन पैलेस में, तो उन्होंने बताया था कि आप जब ऊपर जाओगे विंध्यवासिनी मंदिर जाओगे तो वहाँ पंडित जी रहते हैं, मानते हैं वो अकेले रहते हैं, तो अगर आप कुछ लेके जाते हो उनके लिए तो वो बहुत खुश होते हैं, तो इसीलिए मैंने लिया है ये। सर ये ओल्ड विंध्यवासिनी टेंपल आगे इसी रोड पे है? इसी रोड पे है सर, आगे जाके। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो सीधा सीधा इसी रोड पे चलना है, छोड़ना नहीं है रोड, इसी रोड पे चलना है। अच्छा ठीक ठीक है, थैंक यू। ये विंध्यवासिनी मंदिर के लिए ये वाला रास्ता है, ये वाला, हाँ ऊपर वाला, ऊपर वाला पुराना सही कौन सा रहेगा? ये सही है, ठीक है, थैंक यू। ये ओल्ड विंध्यवासिनी टेंपल यही है ना? थैंक यू। गजब का व्यू है गाइस, ऊपर धौलाधार है, रोड तो कच्चा है।
पूरे पालमपुर का व्यू दिख रहा है। चेकिंग पॉइंट मंदिर जाना है। हाँ जी हाँ जी दिल्ली। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी। कौन सा चेकिंग पॉइंट है ये? प्रोजेक्ट वालों का मंदिर कितना दूर है यहाँ से अभी? हाँ 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 ग्रेट यार, बड़ा मजा आया ऊपर चढ़ के। सिक्योरिटी के लिए ओम हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है कोई, उसके लिए सिक्योरिटी का है यहाँ पर चेक पोस्ट बना रखा है इन्होंने। इंजन को कर दो बंद और चल दो न्यूट्रल से। नहीं हाथ जोड़ेंगे। अच्छा, हाँ। जब तिलक होता है जी। तो 10 आदमी को और बताना, सिर में आदमी रखना। अच्छा। हाथ जोड़ना। अच्छा। ठीक है, यही मुद्रा काम आती है। ठीक है, जब तिलक होता है ना तो यही मुद्रा काम आती है। विंध्यवासिनी माता हैं। हाँ जी हाँ जी। इनका असली स्थान मिर्जापुर में बोलते हैं, बनारस के पास। बनारस के पास। अच्छा, अच्छा। जैसे आज की डेट में आप घूमने आ रखे हो। हाँ जी। माता भी आई होगी। अच्छा। तो उनको ये जगह अच्छी लगी होगी। जब ये बनाओगे तो ये एरिया भी आप ले लेना ना, कवर कर लेना, ताकि जैसे माता को पसंद आया वैसे लोगों को भी पसंद आएगा। तो यहाँ पर साक्षात दर्शन हुए माता के किसी के साथ, पता नहीं बहुत पुरानी बात है, कई साल तो नीचे गांव को बसे हुए भी हो गए। हमारा तो जन्म इतना सा है, ये तो जन्म जन्मांतर की माता है। तो पता नहीं इनका कब इनका किसी ने दर्शन करा था, ऐसे ही जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ऐसे उसके साथ माता का भेंट हुआ। पहले बच्ची का रूप में थे, तो फिर जवान हुई और तब फिर इन्होंने पूरी लीला बताई। फिर इन्होंने कुछ उसको दिया, जैसे मैंने आपको प्रसाद दिया, तो ये अपने गांव ले जा रहा था। तो वो नीचे बैठा जहां पर माता का दूसरा मंदिर बना है, तो वो वहीं पर होगा। सब मैं यहीं रहूंगा
और जब यहाँ गांव बस जाएगा, उस टाइम गांव भी नहीं था, तो जब यहाँ गांव बस जाएगा तो यहाँ बंदला के नाम से, मेरे नाम से बंदला गांव के नाम से कहलाएगा। ऐसे माता ने उसको दर्शन दिया था। और पहले देखो दिख रही होंगी, ये दिख रहे होंगे उसमें दिख रहे होंगे, तो पहले मुझसे पहले लोग इन इसकी पूजा करते थे, फिर इनकी प्रतिष्ठा मैंने दुर्गा रूप में ये मूर्ति बनवाई है, और तब दुर्गा रूप में इनका मूर्ति बनाई है। अब पहले मुझसे पहले लोग ये दो पिंडी हैं इनको पूजते थे, तो जब मैं आया हूँ तो मैं माता ने मेरे को ये श्रेय दिया और ये मूर्ति बनाई और इनकी प्रतिष्ठा करी, और आज इनकी पूजा इनमें होती है। और बाकी ये सारा भवन जितने भी है माता ने बनाने का मेरे को श्रेय दिया है। हाँ, मतलब कोई राजनीति नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, और कुछ मंदिर के बारे में, और कुछ यहाँ का जो मतलब कितना, आपको कितने साल हो गए हैं? मेरे को 23वां साल लगा है। 23वां साल? हाँ जी, 23वां साल लगा है। आप ये साथ में जो न्यूगल खंड जो है वो यहीं से निकलती है ना? नहीं, ये हमारा किन्नर सो अलग है। अच्छा। और न्यूगल नीचे नीचे बहती है। अच्छा। उसका दूसरा सूत्र है। अच्छा। और ये जो रोड जा रही है एंड में वहीं जा रही है। अच्छा। तो उन्होंने ये नीचे का पानी ऐसे सड़क के जितना आप सड़क में है उसके अंदर से ट्रैप वो टनल बना रखा है, वो पानी भर भर के जा रहा है, और जहाँ पर सिक्योरिटी का दफ्तर है वहाँ से फिर नीचे गिर रहा है और वहाँ टर्बाइन घूम रही है। ये नीचे वाला पानी अभी तो है ना, फिर भी 1-2 मेगावाट बना रही है। 15 मेगावाट की भी है, बरसात में 15 की जगह 20 बनाते हैं। बरसात में ठीक ठाक इनका काम चलता है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत आपका जय माता की, जय माता, आपका आशीर्वाद माता रानी का, माता रानी का मेरा आशीर्वाद नहीं, मैं तो सेवक हूँ। बाइक लेके आता हूँ, उसकी लाइट से दिखेगा। इससे नहीं दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा है, अब तो फर्स्ट क्लास दिख रहा है। तो आगे मुड़ने के लिए जगह है फिर? यहीं से रिटर्न होगा।
यहीं से पैक हो जाएगा ना। नहीं 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 मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे नीचे फंसी हुई है तार। चलिए गाइस, विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन तो हो गए, अब इसके बाद जाएंगे जखनी माता। आगे जो कार में जा रहे हैं ये जो महंत हैं विंध्यवासिनी मंदिर के वो हैं। आशीर्वाद दो हमें। चलिए कभी आते हैं, कोशिश करते हैं, बच्चे तो लेंगे। हाँ जी हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत हाँ मजा आ गया। चलिए जी।